जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूब पर हो आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई पर है दोस्तों, वहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल जो वैकेंसी है 108 वैकेंसी है, ठीक है। आप लोगों को जो वेतन मिलेगा वो 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। एज लिमिट 1 सितंबर 2024 के अनुसार आपका आयु 18 से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। जनरली वर्क कैटेगरी के लिए SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन आपको 10th स्टैंडर्ड यानी SSC अथवा मेट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। 10वीं पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, बैंकिंग जॉब है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है, लेकिन इसका ब्रांच ऑल इंडिया में है, ठीक है। जहाँ पर आपका पोस्टिंग हो वहाँ पर ही आपको ड्यूटी करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अपनी अपनी रीजियन वाइज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। दोस्तों ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिस के ऊपर बेसिस करके बनाया गया है, तो शॉर्ट नोटिस पे प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, मेंस एग्जाम किस प्रकार होगा नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक आर्टिकल से ये डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट नोटिस दिखा देता हूँ एक बार। डियर फ्रेंड्स, ये है वो शॉर्ट नोटिस, आप देख सकते हैं। इस नोटिस के आधार पर ही ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। नोट लॉन्ग नोटिस नहीं आया है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। देखिए 108 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट 18 से लेकर 30 ईयर, क्वालिफिकेशन एज लिमिट और अप्लाई का डेट 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर बोला है द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू द स्टेट वाइज वैकेंसी, किस स्टेट के लिए कितना वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, जितना भी डिटेल्स बाकी है वो आ जाएगा 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को पब्लिश होगा www.nabard.org, यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर 2 अक्टूबर को आने वाला है। कृपया आप लोग एक बार वेबसाइट में जाके इसका डिटेल्स निकाल लीजिएगा, ओके। आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए प्लेस मुंबई, 27 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन निकला है। दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन जो फी हो सकता है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये और बाकी जितना भी कैटेगरी उन लोग के 450 रुपये हो सकता है, ठीक है। जब 2 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग मिला लेना ऑफिशियल साइट, अपने अभी अभी देखा www.nabard.org। दोस्तों आइए आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम किस प्रकार होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आप लोगों की हेल्प के लिए मैं एक आर्टिकल से ढूंढ के निकाला है। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा फुल तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको ही आप लोग 100% राइट मत मानिए, ठीक है। मेरी तरफ से सुझाव है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब फुल आएगा तो आप लोग एक बार मिला लेना, फिर भी आप लोगों को मोटे तौर पर एक आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम किस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया है। आप देख सकते हैं जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, देख सकते हैं ऑनलाइन मोड होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एग्ज़ाम पेपर जो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में सेट किया जाएगा। यहाँ पर आप प्रीलिम्स का देख सकते हैं, रीजनिंग टेस्ट होगा 30 MCQ 30 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश 30 MCQ 30 मार्क, इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी जो भी आता है, जनरल नॉलेज 30 MCQ 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स 30 MCQ 30 मार्क्स, टोटल 120 MCQ 120 मार्क। और आपको टाइम मिलेगा, एग्जाम का ड्यूरेशन मिलेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आप लोगों को मिलेगा। मेन एग्जाम किस प्रकार होगा आप देख सकते हैं, मेन एग्जाम विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड। दोस्तों ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड आप लोग एक बार देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 150 MCQ आएगा, मेन एग्जाम में आएगा 150 MCQ, उसमें प्रीलिम्स में 120 और मेन में 150 MCQ, ठीक है। 150 MCQ आपका टाइम है 2 घंटा, 120 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग 35 MCQ 35 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यून है मैथमेटिक्स 35 MCQ 35 मार्क, जनरल नॉलेज 35 MCQ 35 मार्क और इंग्लिश लैंग्वेज 35 MCQ 35 मार्क्स, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा आपका योग्यता 10वीं पास मांगा गया है, तो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी 10वीं का ही होगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जब ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग एक बार मिला के देख लीजिएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार होगा, ठीक है, और स्टेट वाइज वैकेंसी। मैं तो काम करता रहता हूँ, जो नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के लिए मैं पब्लिश करता रहता हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ, इसलिए आप खुद से देखना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिस का लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, अपना ड्रीम पूरा कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। जय हिंद।